सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण से संबंधित हालिया फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति समेत कई संगठनों ने इसके विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका उद्देश्य इस फैसले को चुनौती देना और पलटने की मांग करना है। बिहार की राजधानी पटना में रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, जिससे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ शामिल है। इन राज्यों में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राजस्थान के कुछ जिलों में एहतियातन स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। बिहार के जहानाबाद में भारत बंद के समर्थकों ने नेशनल हाईवे 83 को ऊटा में ब्लॉक कर दिया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित इस बंद का मकसद आरक्षण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करना है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का विरोध जारी है। लखनऊ में मंगलवार रात से ही अभ्यर्थी डटे हुए हैं। उनका आरोप है कि आरक्षण में घोटाला किया गया था और जब तक उसकी नियुक्ति नहीं होती वे अपना विरोध जारी रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने भी भारत बंद का समर्थन किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को मिली भगत से आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है, जिसके खिलाफ लोगों में आक्रोश और मायावती ने बंद को अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि एसपी एमटी और ओबीसी समाज को आरक्षण का संवैधानिक अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष का परिणाम है, जिसे किसी भी राजनीतिक दल को कमजोर करने का अधिकार नहीं है।